हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और अपने गार्डन का भी। तो दोस्तों, आज जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो आप ये फूल देख रहे हैं गुलदावरी के प्यारे प्यारे फूल, तो दोस्तों अब इनकी ही कटिंग लगाने का टाइम आ चुका है। अगर आपने कटिंग्स लगा ली हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लगाई हैं तो आप अभी भी लगा सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, गुलदावरी की कटिंग के ऊपर। तो दोस्तों, ये बहुत ही प्यारे फूल होते हैं और ये अक्टूबर से लेकर जनवरी एंड तक हमें हमारे गार्डन में रहते हैं, फिर फरवरी से स्प्रिंग वाले फ्लावर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इन्हीं की कटिंग्स लगाते हैं और अपने गार्डन को बहुत सुंदर बनाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, आपने अगर कटिंग्स लगा ली हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से एक ट्रे ले लीजिए जैसे कि मैंने ली है, और इसमें एक छेद होना चाहिए दोस्तों, जिससे कि आपका पानी पूरी तरह निकल जाए। अब ये जो गमले की गिट्टी है ये मैंने उल्टी तरफ से रखी है, नहीं तो अगर हम सीधी रखेंगे तो उसमें पानी इकट्ठा रहेगा। अब ये मैं इसमें अपनी थोड़ा सा रेत डाल लेती हूँ, और दोस्तों मेरे पास थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी है तो मैंने इसी रेत में उसको भी मिला लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मिलाएं, नहीं अगर आप चाहते हैं तो केवल रेत में भी लगा सकते हैं कटिंग्स को। दोस्तों कई बार रेत भी नहीं होती तो आप अपनी गार्डन सॉइल में भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक रूट हार्मोनिक पाउडर है, रूटेक्स, तो ये कई नामों से आता है बाजार में, रूट विन करके भी आता है, रूटेक्स करके भी आता है, तो आप ये ले आएँ। अगर आपको कहीं बाजार जाने का टाइम नहीं मिल रहा है या लॉकडाउन है तो आप एलोवेरा जेल में भी इसको लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल पानी में मिला के, जो आपके घर में एलोवेरा का पेड़ है उसी को पानी में मिला कर उसमें भी आप कटिंग्स लगा सकते हैं। अब ये मैं आपको लेके आई हूँ अपने मदर प्लांट के पास। तो ये गुलदावरी का पिछले साल का मेरा पौधा है, इसमें से मैंने कटिंग्स क्योंकि काट भी ली हैं, तो ये देखिए साइड से कितना बुशी सा हो गया है। आज हम इसी में से कटिंग्स निकालते हैं और कुछ पौधे जो मेरे पास है उनमें से कटिंग्स काटते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसकी 3 से 4 इंच की कटिंग ले लूँगी, और इस तरह से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो भैया आपके लिए एक कटिंग्स काट रहे हैं। तो चलिए आज इनसे कटिंग कटवा रही हूँ मैं 3-4 इंच की। और दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे कि इन कटिंग्स को लगाने के लिए जो इसके नीचे के पत्ते होते हैं फ्रेंड्स, वो सब निकाल देंगे, जिससे कि पौधा जो है या कटिंग्स जो है वो एनर्जी ज़्यादा ना लें। ये देखिए, नहीं तो इन्हीं को एनर्जी जाएगी और रूट्स बनाने में जो कटिंग है वो उसको प्रॉब्लम होगी, उसकी एनर्जी इसमें लगेगी। ये देखिए मैंने सारी कटिंग्स अपने पास रख ली हैं, तो हमें कई बार कटिंग्स देख के भी इनके कलर का अंदाज़ा हो जाता है कि ये पीले रंग की है या सफ़ेद रंग की है। तो इस कटिंग्स के नीचे के पत्ते आप काट दीजिए। और दोस्तों मैं कई बार क्या होता है कि ये देखिए कि जो इसका सरफेस एरिया है 45 डिग्री का हम काटेंगे और यहीं से इसकी रूट मिलेगी। इसका जो कटिंग का कारण यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिले 45 डिग्री का, तो जिससे कि उसमें ज़्यादा रूट्स आएँ। अब मैं इसको, ये जो मेरा रूट हार्मोनिक पाउडर है, इसमें डिप कर, और ये देखिए मैं कई बार ग्लव्स पहन नहीं पाती दोस्तों, तो मैं ये देखिए बहुत जल्दबाजी में अपनी उंगली से ही इसको सब लगा रही हूँ, क्योंकि मिट्टी इतनी पोरस है ये देखिए, और आराम से उसमें गड्ढा हो जा रहा है। तो मैंने कोई डंडी वगैरह भी नहीं लिया, और बस इसको आपको धीरे से इसमें रखना है और साइड से बिल्कुल टाइटली उसको, जो मिट्टी है उसको दबा देना है, जिससे उसमें एयर पॉकेट्स ना रहें। और इस तरह से आप अपनी सारी कटिंग्स लगा लीजिए। दोस्तों अगर आपके यहाँ माली जी नहीं आ रहे हैं तो भी इतना काम आप खुद कर सकते हैं, तो आप बस अपने मदर प्लांट्स ढूंढिए और उनकी कटिंग्स लगा दीजिए। तो ये इस तरह से मैंने अपने कुछ जो गमले हैं उसमें भी साइड में लगा दी है, क्योंकि एक ये ट्रे थी तो इसमें लगा दी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें लगा दीजिए। और ये देखिए कुछ एक ट्रे है मेरी जिनमें मैंने लगा दिया है, और इसमें जड़ें कितनी अच्छी आ गई हैं। तो दोस्तों 15 दिन में आपकी जो कटिंग्स हैं उनकी जड़ें आ जाएंगी, और उसके बाद आप इनको जिन गमलों में लगाना चाहे उसमें मिट्टी वगैरह भर के अच्छे से रख दीजिए, और उन पे जैसे जैसे जड़ें आती जाएँ वैसे वैसे अपनी रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मैंने काफ़ी कुछ आपको अपनी कटिंग्स के बारे में बता दिया है। तो अब आपको मैं लेके चलती हूँ जिन गमलों में मैंने लगाना है, और तो उनमें मैंने अपनी मिट्टी, रेत और खाद मिला के बहुत अच्छा सा एक पॉटिंग मिक्स बनाया है दोस्तों, और उन्हीं में आज मैं इनको लगाऊंगी। इस तरह से मैं अपनी सारी कटिंग्स निकाल देती हूं, और ये देखिए सब में ही रूट्स आ गई हैं ऑलमोस्ट, और बहुत अच्छे से आ गई हैं। और इस ट्रे में जो ये है, अब मैं फिर दोबारा से कटिंग्स लगा दूंगी, तो इस तरह से हमारा जो ये प्रोसेस है चलता रहेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो मेरे गमले भरे हुए हैं इनमें मैंने ये कटिंग्स
लगा दी हैं। तो दोस्तों ये 10-12 इंच का जो गमला है उसमें मैंने दो दो कटिंग्स लगाई हैं और आफ्टर 15 डेज 15 दिन के बाद मैं इनको ऊपर से पिंचिंग कर दूंगी। जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगे उससे क्या होगा कि हमारा जो पौधा होगा वो बहुत घना हो जाएगा और उसमें बहुत सारे मैक्सिमम फ्लावर्स मिलेंगे आपको। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, तो आप भी इन कटिंग को ग्रो करें और अपने आने वाले विंटर टाइम को बहुत अच्छे से इंजॉय करें। ओके दोस्तों बाय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट्स करें, कमेंट्स में कोई कंजूसी ना करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स बाय, थैंक यू।